सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 5th एपिसोड। सो अभी चलना शुरू कर दिया है, रात के बज रहे 3। तो यहाँ से अभी जाएंगे वाला वाव, वहाँ पे है कैंप, मतलब दोपहर का खाना। सो अभी इतना अंधेरा है कि बता नहीं सकते। सो टॉर्च वॉर्च ले ली है और निकल लिए है अपने रूट की तरफ, रास्ते की तरफ। तो फटाफट से अभी जाते हैं थोड़ा आगे। तो गाइज अभी पहुँचे महिसागर यानी कि गलतेश्वर। अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे चप्पलों की तो आवाज़ आ ही रही होगी। सो अभी हमने 6 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है और अभी और 10 किलोमीटर बाकी है और बज रहे हैं आई थिंक 4:30 बज रहे होंगे। तो अभी रूट कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे इतना सारा पानी आया था तो रोड डैमेज हो गया, इसकी वजह से पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी क्योंकि उनको 25 किलोमीटर का रास्ता दूसरी तरफ से कवर करके आना पड़ेगा सभी गाड़ियों को। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रोड की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। और यहाँ नीचे है महिसागर गलतेश्वर, जो भी बोले एक ही है। तो अभी चल रहे हैं आराम से फ्रीली, दोपहर के बाद हवा निकल जाती है, अभी तो हवा टाइट है। 2 किलोमीटर आजूबाजू में थे बराबर, क्या अगर लाइव भजिया मिल से तुमने दारवाड़ा दारवाड़ा कोना भजिया कोना किला बिना किला बिना भजिया किला के बिना भजिया मतलब फेमस फेमस सिला सिला आधा देखते हैं अभी सिला ना बटाका वाला 1.5 किलोमीटर बोला है इन्होंने, देखते हैं अभी कब तक आता है भजिया। आधा किलोमीटर 500 मीटर 500 मीटर अभी देखते हैं इन्होंने बोला है कब तक आते। अभी सुबह हो गई है, सो आराम से ही चल रहे, पूरा रिलैक्स होके एकदम शांति से। रात को आपको सिर्फ वो दिखाया था, वही वो ब्रिज महिसागर का, उससे तो बहुत आगे आ चुके, उससे भी ज़्यादा, मतलब 6 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने काट लिया दूसरा वो ब्रिज से। सो फटाफट से भी चलते हैं, धीरे धीरे मस्त से चल रहे हैं हम लोग, रिलैक्स होके एकदम फ्रीली, क्योंकि कल नींद भी अच्छी मिली थी और आराम भी अच्छा मिला था। सो फ्रीली चल रहे एकदम, अभी चलते हैं भजिए खाने, देखते हैं। तो मनीष काका ने बोला था कि 500 मीटर 500 मीटर तो 700 मीटर आ गए हम लोग, कहीं में अभी भी भजिए नहीं दिख रहे, रोड रोड पूरा सन्नाटा एकदम, चाहे वो एक साइकिल वाला खड़ा रहा उसके सिवा कोई दिख नहीं रहा और बोल रहे कि 500 मीटर में भजिए। कल भी ऐसा किया था और आज भी ऐसा कर रहे, भजिए के चक्कर में हमको भगा रहे ये लोग। तो अभी आगे जाके देखते हैं कि भजिए कहाँ पे है। इस वाला वाव है यहाँ से 2 किलोमीटर, देखते हैं अभी भजिए वहाँ पे होगे तो उनके 500 मीटर हम निकालेंगे। क्योंकि देखते हैं यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे रोड इतना सन्नाटा छाया हुआ कि आगे ना पीछे ये सिर्फ कुत्ता दिख रहा हमें, है दो है वो भी। सो अभी चलते हैं फटाफट से क्योंकि अभी तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं वेदर ठंडा है, इसलिए चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और थोड़ी मस्ती मजाक भी हो रही है हमारे बीच में, तो और मज़ा आ रहा है। सो चल रहे हैं अभी तो गाइज, हम अभी है वालावा में और सो यहाँ पे ये देख रहे हो आप सिमरन गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मतलब कि यहाँ पे देखो ये इलाका कैसा है और सरकार ने क्या डेवलप किया है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। खुद यहाँ पे मतलब हॉस्टल्स क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और मतलब कहीं पूरी इन्होंने अलग ही सिटी अंदर क्रिएट की हुई है ये कोर्ट के अंदर। तो यार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, यही चाहिए और क्या चाहिए, कि ये जमीन पूरा जंगल विस्तार इन्होंने सही तरीके से उपयोग किया इसका। सो बहुत ही अच्छी बात है यार। तो गाइस यूनिवर्सिटी का नाम स्वनिर्मण था, सिमरन नहीं, मैंने गलती से पढ़ लिया था जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे बच्चे लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, देखो। सो देख रहे हो आप सभी लोग,
थोड़ा रनअप कर रहे हैं वो लोग, रनअप तो नहीं वॉकिंग कर रहे। सो यहाँ पे है एक ITI देख सकते हो, यहाँ पे ITI और यूनिवर्सिटी दोनों साथ में है, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल्स भी है। तो यार बहुत ही देख के प्राउड हो रहा है। सो अभी यार सूरज उग गया है, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा, और हम भी थोड़ा थोड़ा अभी थकने लगे हैं क्योंकि भजिए नहीं आए यार। भजिए आई नहीं रहे वाला, वाह 1 किलोमीटर रह गया है पर अभी तक भजिए नहीं है। ये लोग थक के रील देखने लगे और ये लोग आगे चलने लगे। राजा साई हमारे टांग घिस गए पर भजिए नहीं आए हलड़े। ये देखो कौवा पापा आ गए, कागवास सभी उड़ गए ऊपर बैठ गया, इनको हमने श्राद्ध डाला अभी कागवास करके। सो उड़ गए ये लोग, हमारी आवाज ही नहीं वापस बैठ गए। अभी फटाफट से चलते हैं भजियों की तरफ क्योंकि भजिया हमें बुला रहे और पेट हमारा भजिए भजिए कर रहा। सो चल रहे, और एक टाइम मतलब कि मॉर्निंग पे नज़र डालो यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस अभी आ गए वाला वाव चौकड़ी, और अभी दिख रहे हैं लोग सभी यहाँ पे हैं हमारा भजिए का। सो अभी भजिए खाएंगे, आई थिंक अभी पहुँचे, आई गॉट पहुँच गए। ये हमारे छोटे काका है जो चाव से भजिए खा रहे हैं चबा चबा के। सो गाइस हमारे भजिए आ गए, अभी हम लोग भजिए छपोटेंगे, कब से भूख लगी। ये रहे हमारे मेरा पापा जिनके दांत नहीं है फिर भी भजिए खा रहे हैं। इधर हो रहे निकल रहे लाइव भजिए। सो अभी सभी लोग खाएंगे और हम अभी निकल रहे हैं फटाफट से हनुमान जी के मंदिर पे नभोए। सो गाइस भजिया खाने के बाद हमारी एनर्जी लेवल फुल हो गई थी, सो अभी हम चलने लगे हैं, और चलते चलते आराम करते करते हम लोग मज़े लेते लेते जा रहे हैं। अभी तो इन लोगों का तो पता नहीं, ये लोग अपने ही नशे में रहते हैं खुद। एक विमल खाता है, एक तानसेन खाता है, एक सिल्वर खाता है, एक मावा खाता है, पर हम कुछ नहीं खाते। सो अभी थोड़े ही आगे 2 किलोमीटर पे हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे पहुँच के हम लोग खाना खाएंगे, उससे पहले सो लेंगे थोड़ा। तो गाइस बोला था हमने कि हनुमान जी का मंदिर 2 किलोमीटर पे, सो आ गए यार। देखो ये रहा हनुमान जी का मंदिर, और फाइनली पहुंच गए। सो आज का रूट अभी भी 15-16 किलोमीटर का बाकी है, और अभी इधर खाना वाना खा के थोड़ा आराम करके फिर निकलेंगे। सो यहाँ पे पहले से ही पहुँचे हुए लोग, तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी आरती वारती ख़त्म करके हम लोग आए हैं खाने, अभी सो गए थे 1-2 घंटे के लिए। सो फटाफट से अभी खाते हैं, उसके बाद चलना ही है हमें। सो गाइस अभी खाना वाना हो गया और बैठे हैं थोड़ी देर आराम करने, उसके बाद चलेंगे हम लोग। सो खाना वाना ख़त्म करके अभी जस्ट आए आराम कर लेते हैं थोड़ा। तो चलना शुरू किया था और पांडो की नदी आ गई है, पांडो की। सो इधर वो लोग तो नहाने जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे बिकॉज वहाँ पे नहा के आए हम लोग। सो अभी तो नहीं जा रहे। इधर का व्यू बहुत ही मस्त है, दिखाता हूँ आपको पांडू का। सो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल नदी है, और नीचे मंदिर भी, कुछ आंटी लोग कपड़े भी धो रही है।
तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर दोपहर में लाल हो गई हमारी तो गाइस इधर छाव कुछ ज्यादा ही है। देखिए धूप से राहत मिल रही है क्योंकि ये थोड़ा सा जंगल विस्तार है सो और गांव वाला एरिया है सो यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही है सो इसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है कि धूप ज़्यादा नहीं लग रही है। तो जिसने भी ये पेड़ पौधे लगाए अच्छा ही किया है और अपने आप उगे तो भी अच्छा किया है। सो अभी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से जलाराम मंदिर यानी कि कैंप हमारा 8 किलोमीटर दूर है तो शांति से जाएंगे। जय माता जी। तो शांति से जाएंगे और हमें कोई जल्दी नहीं है आज भी क्योंकि कल पावागढ़ रहेगा सिर्फ 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर ही रहेगा। आज कैंप पे पहुंच जाएंगे उसके बाद 30 किलोमीटर रहेगा सो हमें कोई टेंशन नहीं है। इतना काट लिया है तो 30 भी काट ही लेंगे आराम से। तो गाइस इधर हमको खो दिख गई है, इसको शायद से हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हो इसको यार, भूल गया मैं, याद था सो वो तो अपने रास्ते चली गई। तो यहाँ पे आराम करने बैठे हैं छाव में सो टेचन हमारे जवाब दे गए खुटन टेचन मीन्स। सो यहाँ पे रोड के साइड में बैठे हैं शांति से थोड़ा आराम करके फिर निकलते हैं और राहुल भी आ रहा सो आगे जाके उसको मिलते हैं पांडू वांडू में। अभी आंडू पांडू हो गए हम लोग। सो गाइज अभी आराम करने के बाद पांडू क्रॉस कर लिया है, अभी जा रहे लिंबड़ी, लिंबड़ी जाके क्या बोलते हैं उसको पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे। सो वहाँ पे राहुल आ रहा, राहुल का कॉल भी आया था, राहुल ने बोला कि आ रहा हूँ वाला वाव पहुँच गया हूँ जहाँ हम सुबह थे वो अभी पहुँचा है, वो गाड़ी लेके आ रहा है। सो अभी जाते हैं फटाफट से, 2 ही किलोमीटर सिर्फ, फटाफट से कंटिन्यू करते हैं रूट और वहाँ जाके सब इकट्ठे होंगे गरबा वरबा करेंगे मज़ा आएगा। तो गाइस अभी राहुल का कॉल आया था और राहुल पहुँच गया है पांडू। सो वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है पर पहुँच गया पांडू। सो अभी थोड़ी देर में वो आ ही रहा है तो बहुत ही खुश हूँ मैं कि मुझसे मिलने आ रहा है वो मेरा जिगरी। तो अभी थोड़ी देर में वो आता ही होगा पीछे ही शायद मे बी। और यहाँ पे पेड़ बहुत ही अच्छे हैं और देखो ये सब आंडू पांडू और वो आ गई हमारी इको। तो आ गया राहुल साइड में, आ साइड में जा। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हमारे बचपन का यार आ रहा। ए आता नहीं, ये काम कर आकर जा दे माला जी। कॉलेज मोया पढ़े फ्रेंड की जोड़ी तो, कॉलेज मोया पढ़े फ्रेंड की जोड़ी। और हमारा ही प्लान था मेरा और राहुल का स्टिंग बेचने का सो कब से बोल के रखा था उसको तो वो आज लेके आए हैं। और आज मतलब गर्मी थी इसीलिए मंगवाया था। सो अभी आगे जाके क्या बोल रहे हो अनिल भाई, खेलने का और फिर गरबा घूमने का नाचने का कूदने का हम तक पैर फट ना जाए तब तक नाचना। हाँ सही बात है, थोड़ा आगे जाके फिर नाचना तो चालू ही हो जाएगा अपना। और ये करता है चंपक चाचा की स्टाइल, एक बार करके दिखा। हाँ 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 मेरे चंपक चाचा, हाँ
तो गाइस अभी फटाफट से जाते हैं आगे और बेचते हैं स्टिंग। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अभी पीपल के पेड़ के पास। सो सभी लोग यहां पे ठहरे हुए हैं, डीजे भी आ रहा है पीछे ही पांडू में, पांडू अंडू पांडू झंडू, क्योंकि सभी लोग नाचते नाचते आ रहे होंगे तो इसीलिए हम भी वेट करते हैं सबका। और अपनी स्टिंग तो आ ही चुकी है तो हम भी पी लेते थोड़ा यार, हमें भी प्यास लगी है पूरी तरह से। ये खटारा वाले किसी भी मार ही डालेंगे। सो अभी पी लेते हैं स्टिंग, आ गए हम लोग फाइनली। सो गाइस स्टिंग अपनी आ गई और ये हमारी दी कुड़ी राहुल, वीरभद्र, साहिल और कुनुसी क्या कुनु भाई बादशाह कुनु ऑफिशियल जियो नाम है। सो फटाफट से स्टिंग खत्म करते हैं अभी। Oh,
गाइज अभी नाच नाच के थक गए, पैरों की हालत पतली हो गई और अभी सभी लोग आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नहाने जाएंगे क्योंकि नहाने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो अभी रहने देते हैं, तो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद नहाने जाएंगे, उसके बाद खाएंगे, तो अभी आराम करते हैं। तो गाइज अभी खाने का टाइम हो गया है, तो प्लेट लेके आ गए हम लोग, अभी तक नहाए नहीं है, थोड़ी देर बाद नहाने जाएंगे, अभी पहले फटाफट खाना खा लेते हैं। तो गाइस सभी लोग सो गए और अभी हमारी बारी, तो फटाफट से सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।